पिफुबी पुलिस ने 10वीं कक्षा के छात्र की मौत का खुलासा कर दिया है। छात्र की हत्या उसी के ट्यूशन में पढ़ने वाले साथी छात्र ने की थी। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी ने हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है, जिसमें आपसी रंजिश और एक दूसरे पर अपशब्द बोलना हत्या की मुख्य वजह बताई है। फिर भी आरोपी नाबालिग होने की वजह से उसे गुना भेजा गया, जहाँ और पूछताछ में हत्या करने का कारण स्पष्ट हो सकेगा। क्योंकि प्लान घटना थी, उसके बाद में जितने हमारे पास जो पहला होता है कि हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं घटना स्थल तक आरोपी या जो पीड़ित है वो कैसे पहुंचे होंगे। हमने जिले की सारी टीमें अपने लगाई, 8-10 जो अच्छी टीमें काम करती हैं, सारे फुटेज खा डाले। जो मृतक है वो एक लड़के के साथ बैठ के जाते हुए दिखाई दिया, तो ये स्पष्ट था कि सबसे पहला संदेह उसी व्यक्ति के साथ होगा जो मृतक के साथ देखा गया है। मृतक है वो गाड़ी चला रहा था और जो संदेह था वो उसके पीछे बैठा हुआ था। उसके बाद में पूरा ट्रैक हमने बनाया, सारे कैमरों से कैमरे आगे से आगे जोड़ के अलग अलग टीमों को अलग अलग जोन दे दिया। घटनास्थल से पहले का उसके आगे का ये भी स्पष्ट है कि घटना करी है तो उसके बाद में आरोपी वहाँ से भागेगा, किस तरह भागा है। ऐसे करते करते हमने आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी जो है वो मृतक का ही एक दोस्त निकला है, उनकी मित्रता थी। चूँकि आरोपी 18 साल से कम उम्र का है, उसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भाषा में विधि विरुद्ध बालक कहते हैं, जुवेनाइल इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, उनकी पहचान उजागर यहाँ नहीं की जा सकती। उसको बाद में जो हमारा पुलिस वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं, चाइल्ड पुलिस वेलफेयर ऑफिसर, उनके द्वारा उनको निरीक्षण में लिया गया, पूछताछ की गई।